इरफान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया है। और आपको बता दें कि सरेंडर करने से पहले उन्होंने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। आपको बता दें कि इस वायरल वीडियो में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत सभी 11 विधायकों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। वहीं भाजपा सांसद सतदेव पचौरी को मदद करने और परिवार की तकलीफ समझने के लिए इरफान ने धन्यवाद कहा है। आपको बता दें कि सरेंडर करने से पहले उन्होंने अपना ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इस वायरल वीडियो में इरफान ने विधानसभा की जनता से मदद की गुहार लगाई है। इसके साथ ही इरफान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार के साथ सीबीआई जांच की मांग की है। इरफान ने अपने वायरल वीडियो में कहा कि अगर वो दोषी हैं तो उन्हें सजा जरूर मिले। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने अपने इस वायरल वीडियो में कही हैं। मैं सबसे पहले मेरे राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी, मेरे साथी विधायक अमिताभ वाजपेयी जी का और जो 11-12 विधायक जो अखिलेश जी ने भेजे थे, मैं उन सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ में सबसे पहले मैं हमारे सांसद श्री सतदेव पचौरी जी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे परिवार के लिए टाइम निकाला, मेरी बेगम, मेरी अम्मी, मेरे बच्चों से मुलाकात करी। मेरी बेगम के सर पे जो उन्होंने वालिद वाला हाथ रखा, मैं उसके लिए तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज कम से कम लोगों ने जाना तो सही कि कहां पे चूक हो रही है। मैं एक बार और पत्रकार बंधु आपको भी और आपके चैनल के द्वारा उन तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो आप बार बार अपने चैनल में ये बताते हैं कि विधायक से घर से जुला हुआ प्लाट, विधायक के घर के बगल वाला प्लाट नहीं, वो प्लाट जो है मेरे घर से 600 मीटर की दूरी पे है भाई, जहां पे वो कांड हुआ था। दूसरी बात, रोज पिछले 25 साल से 10 साल मेरे वालिद हो गए, 15-16 साल से मैं रोज शाम को 6 बजे से 10 बजे तक मेरे रजवी रोड के कार्यालय में बैठता हूँ। ये 90% कानपुर की जनता को मालूम है कि रोज शाम को मैं वहीं रहता हूँ। और जिस दिन उस दिन कांड हुआ है तो मैं हमारे रजवी रोड के ऑफिस में बैठा था। वह तमाम लोगों की जो फोटो आए वो भी मैंने हमारे व्हाट्सएप पे डाले हैं। उस समय शादी भी थी, म्युनिसिपलिटी रजवी साहब और तमाम ऐसे लोग हैं जिनके मैं शादी में भी गया। मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच हो। योगी जी, मैं आपसे अपील करता हूँ, आप हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, आपने उस औरत की बात सुनी, आपने जांच के आदेश दिए, तो यहाँ पे जांच गलत हो रही है। अगर किसी ने इल्जाम लगाया है, मैं आपके साथ विधानसभा का सदस्य हूँ, कम से कम आप मेरी भी बात सुनिए, इसकी सीबीआई जांच करवा लीजिए ताकि हकीकत सामने आ जाए। आज 10-15 दिन हो गए, जो भी दिन हो गए हैं, एक भी फोटो या एक भी ऐसी चीज सामने आई है जिससे ये साबित हो सके कि आपके सदन के साथी, आपके विधायक ने किसी महिला के आग लगा दी हो। और मैं हमारी विधानसभा की जनता और कानपुर की जनता से कहना चाहूंगा कि भाई, हमारा आपका 25-26 साल का साथ हो गया, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके ये विधायक इतना गंदा काम कर सकता है? अरे भाई, आपने विश्वास करा मेरे ऊपर, मैं चाहता हूँ वो तमाम लोग सामने आइए और कमिश्नर साहब से कहिए कि कम से कम कोई ऐसी चीज दिखाओ तो जिससे आपका विधायक दोषी हो सके। आपके विधायक के ऊपर जो इल्जाम लगा दिया महिला ने, कम से कम वो चीज सामने आ सके। मेरा भी बहुत छोटा परिवार है, मेरे भी बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, मेरी माँ परेशान हो रही है, मेरे भाई लोग परेशान हो रहे हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए आप सब आइए, पूछिए और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला ने जो मुसीबत मेरे ऊपर डाली है, अल्लाह ताला मुझे उससे जल्दी से जल्दी निकाले। क्या पता वो दुआ आपकी जो मेरा मालिक सुन ले और मेरा बेड़ा पार हो जाए। आप किसी भी मजहब को मानते हैं, वो बहुत अच्छी सी बात है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ करना, आप राम कहिए, अल्लाह कहिए, बस मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। और मुझे पूरा यकीन है वो नीली छतरी वाले पे कि वो किसी की भी दुआ सुन लेगा और मेरी मुश्किल का हल निकल जाएगा। मैं आप सबको नमस्ते करता हूँ, सलाम करता हूँ और यही दुआ करता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करिएगा कि सच सामने आए। अगर मैं दोषी हूं तो कानून है, उसके लिए कानून सजा देगा और कानून से कोई नहीं बच सकता है। मेरे लिए दुआ करिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम, नमस्ते। वहीं इन सब बातों को लेकर वकीलों ने क्या कुछ कहा है वो आप भी सुनिए। मेरा नाम एडवोकेट प्राची श्रीवास्तव है, मैं वादनी नजीर फातिमा की अधिवक्ता हूँ, जिन्होंने इरफान सोलंकी के ऊपर एक मुकदमा जाजमऊ में पंजीकृत कराया था। आज इरफान सोलंकी जी की अरेस्टिंग होने के पश्चात न्यायालय में आए, जहाँ पे माननीय न्यायालय के द्वारा उनका 436, 504, 506, 147 और भी उन कई धाराओं में रिमांड ले लिया गया है। उनके अधिवक्ता के द्वारा बेल एप्लीकेशन मूव आउट करी गई, जिसमें अभी जो है थोड़ी देर में उसमें जजमेंट आ रहा है। परंतु वादनी चूंकि आप देख ही रहे हैं वृद्ध हैं और यहाँ पे जिस तरह से
भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो इसलिए उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा उचित समझा कि उनको आदेश आने से पहले पहले यहाँ से बाहर निकाल दें। 1771 का है, 7-12 तक का रिमांड दिया गया है। जांच मऊ वाला मुकदमा जो 836, 327, 386 का है, उसमें 14 दिन का रिमांड दिया गया है। माननीय न्यायालय ने चूंकि ज्यूरिडिक्शन में न होने के कारण मेरी बेल खारिज कर दी है। हमें पूरी उम्मीद है कि जनपद न्यायाधीश महोदय के यहाँ से हमें शीघ्र बेल मिल जाएगी, चूंकि विवेचक के पास समुचित ठोस रिलेवेंट साक्ष्य नहीं है। अभी तो एक मुकदमे में 14 दिन की, एक मुकदमे में 7 दिन की, और रिजवान सोलंकी ग्वाल टोली के मुकदमे से उनका नाम हटा दिया गया है, वो वहाँ पे निर्दोष है।